हेलो 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 दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप में से कोई भी आने वाली भर्तियों के बारे में ये सोच के बैठा है कि आने वाली भर्तियों में गड़बड़ होगी ही होगी और उसमें ट्रांसपेरेंसी नाम की कोई चीज नहीं होगी और मैं भी चलो कहीं ना कहीं जुगाड़ बिठा लेता हूं, तो थोड़ा सा थम जाओ, रुक जाओ, ठहर जाओ। क्योंकि भर्ती बोर्ड ने एक ऐसा काम कर लिया है, भर्ती बोर्ड ने एक ऐसी चीज कर ली है, एक ऐसा मोटा लठ्ठ तैयार कर लिया है जो नकल वालों की कमर तोड़ने के लिए पर्याप्त होने वाला है। गंभीरता से मेरी बात आप सुनिए, भर्ती बोर्ड ने उस चीज पर भी विचार किया जिसकी वजह से भर्ती बोर्ड परेशान है। भर्ती बोर्ड को पता है कि पिछली वाली जो भर्तियां हुई हैं उनमें बहुत बड़े स्तर पर चीजें हुई हैं, बड़े स्तर पर हुई हैं, मध्यम स्तर पर हुई हैं, मगर हुई हैं, बहुत बढ़िया हुई हैं। तो परीक्षा की पारदर्शिता शुचिता बनी रहे और नकल वालों की कमर पर लठ्ठ बजता रहे, उसके लिए एक टेंडर जारी किया गया है और वो टेंडर है आपका ट्रांसपेरेंसी को लेकर के ऐसी कंपनियों को निमंत्रित करना जिन्होंने पहले से ही बहुत बड़े बड़े एग्जाम कंडक्ट करवाए हो। अगर आप नकल करने की सोच रहे हो तो अब रुक जाना, मेरी बात आप गंभीरता सुन लेना। जो पूरा टेंडर है वो टेंडर मैं आपको दिखाता हूं, यहां पर है तो अंग्रेजी भाषा में, पर थोड़ी बहुत हमको भी आती है यार, हम भी पढ़ के बता देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। गंभीरता बस यहां पे ये रखो कि ध्यान से बात सुनो। ये देखो यहां पर टेंडर जो है वो टेंडर जो निकाला गया है, ये पहले वाला जो पैरा है इसमें वही बात है कि हम लोग अच्छे से एग्जाम को करवाएंगे, ऐसा होगा, वैसा होगा, यूं होगा, त्यों होगा, बट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट शुरू होते हैं दोस्तों, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट शुरू होते हैं आपके यहां से। द बोर्ड इन्वाइट्स ईओआई एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, इसका मतलब सीधे सीधे क्या है आपके टेंडर से ही है, फ्रॉम रेप्यूटेड कंपनीज, है ना, के प्रतिष्ठित कंपनियां जो हैं, हु हैव सक्सेसफुली कंडक्टेड रिक्रूटमेंट, जिन्होंने सफलतापूर्वक भर्तियों को पूरा किया है, इन यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, इंजीनियरिंग, मेडिकल और मैनेजमेंट कोर्सेज, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस एंड पुलिस ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्री एग्जामिनेशन, पोस्ट एग्जामिनेशन एंड कंडक्ट ऑफ ऑफलाइन एंड ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन एंड अदर एक्टिविटीज फॉर मैनेजिंग डेटा ऑफ ऑल रिक्रूटमेंट एक्टिविटीज ऑफ ऑल नोटिफिकेशन एंड एडवर्टीजमेंट। कुल मिला के एक बात कही जा रही है कि भाई ऐसी कंपनियां जिन्होंने यूपीएससी में या किसी भी स्टेट पीएससी में, इंजीनियरिंग में, मेडिकल में, या किसी कोर्सेज में, कहीं सेक्टर में, है ना, पुलिस ऑर्गेनाइजेशन में, जहां प्री एग्जाम मतलब एग्जाम से पहले, एग्जाम के बाद कंप्लीट जो पूरा प्रोसेस है उसमें डेटा को एनालाइज करने का और सफलतापूर्वक भर्ती कराने का जिनका अनुभव है, हम उनको इनवाइट कर रहे हैं अपने काम के लिए। इसमें यह बात बोली जा रही है, द कंपनी या स्लैश एजेंसी शेल डिप्लॉय परमानेंट स्टाफ एट यूपीपीआरपीबी, यानी कि जो कंपनी होगी वो परमानेंट रूप से, यानी कि उसको पक्की नौकरी दी जा रही है, कहां पे, यूपीपीआरपीबी पे, जिससे वो क्या काम कर सके, स्क्रूटनाइज एंड एनालाइजिंग एनालाइज डेटा, ऑल डेटा रिलेटेड टू रिक्रूटमेंट एंड प्रोवाइड एमआईएस रिपोर्टिंग सिस्टम एट एवरी स्टेज। यानी कि अब ये जो चीज हो रही है ना, एमआईएस रिपोर्टिंग सिस्टम, ये जो लाया जा रहा है हर स्टेज पे, तो हर एक बच्चे की गतिविधि का ध्यान रखा जाएगा, हर एक बच्चे की, हर एक बच्चे का जो डेटा होगा वो आपका स्क्रूटनाइज होगा, एनालाइज होगा, इससे धांधली के चांसेस आपके बहुत हद तक कम हो जाएंगे। अगला पॉइंट है, द कंपनी एजेंसी शेल डिप्लॉय मैनेज सिक्योर डेडिकेटेड सर्व्स वेयर डेटा इज इंसर्टेड स्टोर इनसिक्योर, मतलब कुल मिला के आपका पूरा का पूरा जो डेटा है ना उसको पूरा का पूरा छान देगी और कोई भी यदि घपलेबाज होगा, नकलबाज होगा, उसका इलाज बढ़िया से हो जाएगा एट द पॉइंट। ठीक है, यहां पे सारी बात लिखी गई है, द कंपनी एजेंसी शैल एनालाइज रिक्रूटमेंट वर्क्स ऑफ द बोर्ड, है ना, ये जो कंपनी होगी, एजेंसी होगी, ये जो भर्ती की प्रक्रिया होगी और उसमें भर्ती बोर्ड जो कार्य कर रहा होगा उसको कंप्लीटली एनालाइज करेगा, डिफाइन द प्रोसेस एंड स्ट्रेटजीज फॉर डिजाइनिंग एंड बिल्डिंग वेरियस सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, है ना, पूरा जो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस होगा, है ना, स्ट्रेटजी होगी, जो रणनीति होगी, उस सबको बात करेगा और विभिन्न सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन वगैरह जो बनाने होंगे वो बनाए जाएंगे। यहाँ पे कुल मिला के बात लिखी गई है, ऑल सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन डिजाइन एंड डिप्लॉय इन बोर्ड मस्ट बी इंटीग्रेटेड एंड मस्ट बी, ये पूरी बात है कि जो भी तुम बनाओगे सब जुड़ा रहेगा। तो कुल मिला के बात यह है
कि बच्चों की अब जो भर्ती, वो भर्ती में सेंध लगाते थे उनकी शामत आने वाली है। ये मतलब इनकी वो लिखी गई है कि भाई तुम्हारा ये कंपनी के लिए अर्हताएं लिखी गई है कि भाई इतना 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 है। बट इतनी बात क्लियर हो गई है कि अगर नकल करने का दिमाग में है दोस्तों तो उस चीज को निकालो और बस जिस चीज पे ध्यान दो वो है पढ़ाई, ठीक है। और अभी पूरा सेटअप आपका हो गया है, एक दो छोटी छोटी चीजें रह गई हैं और अब आपके सामने मैं बड़ी बड़े गिफ्ट या बड़े बड़े उपहार लेके आने वाला हूं। धुआंधार क्लासेस यूट्यूब पर जल्दी ही आपको देखने के लिए मिलेंगी और ऐसी क्लासेस देखने के लिए मिलेंगी जो आपने पहले सोची ना होगी। तो इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे रामजी की पाठशाला, मैं हूं राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।